अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं सराकी रिपोर्टर। आज स्टूडियो में थोड़ा एक दो लाइट्स मेरी ख़राब हो चुकी हैं, इस वजह से रिज़ल्ट क्लियर नज़र नहीं आ रहा। इसलिए बी कैटेगरी पर मैंने आज वीडियो बनानी थी, वो नहीं बना सका, तो उसके लिए माजरत। तो चंद चीज़ें मैं आपके पास शेयर करूँगा वीडियो अपना बी कैटेगरी के बारे में कि एग्ज़ाम किस तरह होता है। एग्ज़ाम इसका NTA सिस्टम के ज़रिए होता है और टोटल 5 सब्जेक्ट हैं, 3 के अलग पेपर लेते हैं, 2 के अलग लेते हैं। और इसके अलावा टोटल जो इसके क्वेश्चन होते हैं 60 मरूजी होती हैं और 60 नंबर के क्वेश्चन होते हैं, जो 5 नंबर का एक होता है। 12 क्वेश्चन होते हैं, 12 ज़रा 5 60 हो गए, और 60 120 होते हैं। जिस तरह का पेपर लेते हैं NTS टोटली लेती है, किस तरह बच्चों को NTS फेल कर दिया बेहतर जानते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप चाहते हैं इस पर मैं डिटेल से वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कल इंशाल्लाह इस पर डिटेल से वीडियो बना दूंगा। एक और बात मैं आपसे शेयर करता चलूँ, हाल ही में कल मेरी मुलाकात हुई है फार्मा के PPC के बोर्ड के बंदे से। तो उन्होंने कहा 2020 से जिनके पेपर नहीं हो रहे तो उनके अब हाल ही में आज या कल स्लिपें आ जानी है, वो फिर उनके पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, वो भी तैयारी करें। जैसे ही उनके पेपर स्टार्ट होंगे उसके बाद अपना जो अब 2021 में जिसके एडमिशन थे सप्ली वाले थे, मतलब वो कोशिश यही कर रहे हैं कि 2022 में सब के पेपर हो जाएं, 2020 वालों के भी, 21 वालों के भी। अगर 21 वाले के पेपर फिर भी रह गए तो फिर 2022 के एंड में या 2023 के स्टार्ट में ले लेंगे। और इस वक्त जैसे कि पंजाब मेडिकल फैकल्टी के बंदे चेंज हो रहे हैं, सेक्रेटरी चेंज हो रहे हैं, इंस्पेक्शन टीमें वाले चेंज हो रहे हैं, और इसी तरह सारे फार्मेसी काउंसिल के अंदर इस तरह का एक ट्रेंड बना है। कॉलेजों के अंदर जो भी इवेंट अब हो रहे हैं, अब जैसे बच्चों को फ्री करते हैं तो इवेंट होते हैं, तो उसमें सारे बच्चे अपने डॉक्टरों को कॉलेजों को एक चीज़ का ही एक उन्होंने ड्रामे वगैरह बनाए हुए हैं कि पेपर ले लेती है फार्मेसी काउंसिल, मतलब इस तरह का उन्होंने सिस्टम हाई क्रिएट किया हुआ है। लोग परेशान हैं, फार्मासिस्ट भी अब परेशान है। तो इसकी असल वजह यही है पेपर लेने की कि बी कैटेगरी वालों के पेपर इसलिए नहीं लेते क्योंकि फार्मासिस्ट नहीं चाहता, और फार्मेसी काउंसिल बोर्ड के अंदर सारे फार्मासिस्ट बैठे हैं, किसी का कोई दोस्त मतलब बी कैटेगरी वाला कोई बंदा नहीं बैठा उसके अंदर। बोर्ड को चाहिए इसके अंदर बी कैटेगरी वाला बंदा बैठा है ताकि उनको एहसास हो कि बी कैटेगरी वाले बंदे किस तरह तंग होते हैं। वो फार्मासिस्ट बैठे हैं, वही चेक करते हैं, वही उन्होंने एफिलिएशन देनी है। तो उनकी फार्मासिस्ट दोस्त जो उन्होंने केस किया हुआ आपके सामने, सब लोग जानते हैं कि इनके पेपर बी कैटेगरी ख़त्म करो। तो अब जिनको मतलब क्लास फेलो एक बैठा है, मतलब जिसको पेपर लेने वाला है, दूसरा रोकने वाला है, तो किस तरह ये जैसे कहते हैं मज्जी मज्जी नहीं बहना होनी है, तो इस तरह की ये सीन चले हुए हैं। अब वजह यही है, टोटली बी कैटेगरी ख़त्म करना चाह रहे हैं लेकिन ख़त्म होगी नहीं। इसका अल्टरनेट हमेशा फार्मासिस्ट को ही चाहिए, वो अपना जैसे डॉक्टर MMBBS डिस्पेंसर को अपने अंदर रखता है, इस तरह डिस्पेंसर अपना फार्मासिस्ट को भी चाहिए बी कैटेगरी को अपना असिस्टेंट के तौर पर माने और उनको स्टोर पर जॉब दे। जैसे बगैर डिग्री के बगैर मैट्रिक के लोग स्टोरों पर खड़े हैं, वो मेडिसिन चेंज करके दे रहे हैं, हर जगह दे रहे हैं, तो उनको चाहिए फार्मासिस्ट कहें। वैसे भी तो 20,000-25,000 तनख्वाह दे रहे होते हैं, तो बी कैटेगरी वालों को देंगे तो इस तरह के लाइसेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक टेक्नीशियन के तौर पर वो काम करेंगे। बाकी हम दुआ करेंगे कि बी कैटेगरी वालों को जल्द इम्तिहान हो। बाकी डिटेल से मैं वीडियो नहीं बना सका, लाइट का इशू है, कल इंशाल्लाह जल्द वीडियो मिलेगी आपको, अच्छी मिलेगी और एक नए कंटेंट के साथ मिलेगी इंशाल्लाह। ये सीरीज़ हमारी बी कैटेगरी पर है, और अगर आप चाहेंगे कि बी कैटेगरी सिलेबस कौन से हैं पढ़ाएं, मेरे पास फार्मासिस्ट भी मौजूद हैं जो इसको अच्छे तरह से आपको पढ़ाएंगे, ब्रीफ करेंगे, वो भी मैं आपको वीडियो के थ्रू लिंक शेयर करूंगा, अपनी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन आपने बताना है कि उस तरह के आपको लेक्चर चाहिए नहीं चाहिए। बाकी भी चीज़ें जो होंगी इंपॉर्टेंट मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब करना है। फिलहाल के लिए इतना ही, लेने के बाद।